नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट कार इंडिया चैनल, जहां हम लेके आते हैं वॉक अराउंड्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस, माइलेज टेस्ट और क्विक न्यूज। तो चलिए आज बात करते हैं इस हफ्ते के कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेस के बारे में। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन सीएनजी को लॉन्च कर दिया है 8.99 लाख रुपीज से, और अब ये इंडस्ट्री फर्स्ट सीएनजी एसयूवी बन गई है टू कम विद अ टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड ये है उसके वेरिएंट वाइज प्राइजेस। डू नोट, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के प्राइजेस डिस्क्लोज होना अभी बाकी है। नेक्सॉन सीएनजी को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर करता है, जहां मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये सीएनजी मोड में 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। टॉप स्पेक वेरिएंट को 10.25 इंच टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईएससी और बहुत से फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसे 321 लीटर्स की बूट स्पेस भी मिलती है। टाटा मोटर्स ने 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक को इंट्रोड्यूस किया है नेक्सॉन ईवी के लिए, जो कि 13.99 लाख रुपीस से शुरू होती है और तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये नई बैटरी पैक 489 किलोमीटर की ARAI रेंज ऑफर करती है। साथ ही टाटा मोटर्स का कहना है कि ये बैटरी ज़्यादा डेंस है, जिस वजह से ये 0 to 100% चार्ज 48 मिनट्स में हो सकती है, एज अपोज टू प्रीवियस 56 मिनट्स फॉर द 40.5 किलोवाट आवर यूनिट। इन एडिशन टू दिस बैटरी, नेक्सॉन ईवी को पैनोरामिक सनरूफ और फ्रंक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं ऑन द हायर वेरिएंट्स। एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर का स्नो स्टॉर्म और एस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन लॉन्च कर दिया है। इन स्पेशल एडिशंस को कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलते हैं इनसाइड आउट, लेकिन ये मैकेनिकली अनचेंज्ड है। हेक्टर स्नो स्टॉर्म अपने शार्प प्रो ट्रिम पर बेस्ड है, एंड ये है उनके प्राइजेस। इक्विपमेंट लिस्ट सेम है एज द रेगुलर शार्प प्रो ट्रिम, और ये 5, 6 and 7 seat configurations में अवेलेबल है। वहीं एस्टर अपने सिलेक्ट ट्रिम पर बेस्ड है, एंड ये है उनके प्राइजेस। अगेन, इक्विपमेंट लिस्ट सेम है एज द रेगुलर सिलेक्ट ट्रिम, लेकिन यहाँ आप JBL स्पीकर्स ऑप्ट कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज पैकेज। MG ने विंसर EV विद बैटरी के फुल प्राइजेस अनाउंस कर दिए हैं, जो कि 13.5 लाख रुपीस से शुरू होते हैं। MG मोटर्स लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रहे हैं ऑन द बैटरी पैक विद अश्योर 60% बायबैक आफ्टर 3 years एंड 1 year फ्री चार्जिंग एट पब्लिक चार्जर्स वाया देयर ई-हब ऐप। और भी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा फर्स्ट ड्राइव वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विंसर के लॉन्च के साथ MG मोटर्स ने बैटरी एज अ सर्विस उर्फ बास प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, जहां कस्टमर्स ईवी खरीद सकते हैं विद बैटरी ऑन रेंट, जिससे उन्हें उतना ही अमाउंट पे करना होगा जितना उनका यूज होगा। ये प्रोग्राम अब कॉमेट ईवी और ZS EV के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कॉमेट अब 4.99 लाख रुपीस कॉस्ट करेगी विद द बैटरी रेंटल फीस ऑफ 2.5 रुपीस पर किलोमीटर, और ZS EV 13.99 लाख रुपीस से शुरू होगी विद बैटरी रेंटल फीस ऑफ 4.5 रुपीस पर किलोमीटर। महिंद्रा ने थार रॉक्स 4x4 के प्राइजेस रिवील कर दिए हैं, जो कि 18.79 लाख रुपीस से शुरू होते हैं। थार रॉक्स 4x4 सोल 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 175 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एंड ये है उनके प्राइजेस। ये वेरिएंट्स सेम इक्विपमेंट एंड सेफ्टी किट शेयर करते हैं एज देयर 4x2 काउंटर पार्ट्स, लेकिन 4x4 वेरिएंट्स को महिंद्रा का 4 एक्सप्लोर सिस्टम मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, डिफरेंशियल एंड टेरेन मोड्स के साथ आता है, और साथ ही इन्हें स्मार्ट क्रॉल और इंटेली टर्न जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसी के साथ बुकिंग्स 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे 21,000 रुपीज के टोकन अमाउंट से सभी वेरिएंट्स के लिए। स्कोडा ने अनाउंस किया है कि काइलाक एसयूवी का प्रोडक्शन वर्जन 6 नवंबर को ग्लोबली अनवेल किया जाएगा। काइलाक को स्प्लिट हेडलाइट सेटअप विद अ वाइट ग्रिल एंड वर्टिकल स्लैट्स मिल सकते हैं, लेकिन इंटीरियर मोर लाइकली कुशाक पर बेस्ड होगा विद एडिशनल फीचर्स लाइक ADAS एंड 360 डिग्री कैमरा। किया इंडिया ने अपने फ्लैगशिप मॉडल EV9 की सारी डिटेल्स रिवील कर दी है। ये अपने टॉप GT लाइन ट्रिम में अवेलेबल होगी विद 6 सीट्स एंड 20 इंच अलॉय व्हील्स आर स्टैंडर्ड। EV9 को 99.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलने वाली है, और ये ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी। दोनों मोटर्स कंबाइन 384 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये 0 टू 100 kph स्प्रिंट 5.3 सेकंड्स में कर सकती है। 561 किलोमीटर की ARAI रेंज के साथ ये 10 to 80% चार्ज 24 मिनट्स में हो सकती है विद अ DC फास्ट चार्जर। EV9 को ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप मिलता है, जो 12.3 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन से कंपोज्ड है। साथ ही इसे ड्यूअल इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 10 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS आदि फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। पोर्शे ने 911 टर्बो 50 इयर्स इंडिया में लॉन्च कर दी है 4.05 करोड़ रुपीज में। ये मॉडल पहली 911 टर्बो की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है, और कंपनी सिर्फ 1974 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे।
911 टर्बो 50 इयर्स को यूनिक टर्बो बैजेस एंड लोगोस मिलते हैं। साथ ही आप रेट्रो थीम्ड हेरिटेज डिजाइन पैकेज ऑप्ट कर सकते हो जो 1964 पोर्शा क्रेस्ट, स्पोर्ट क्लासिक व्हील्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डायल्स और स्पोर्ट क्रोनोक्लॉक से कंपोज्ड है। इस लिमिटेड एडिशन को 3.7 लीटर फ्लैट 6 ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन पावर करता है जो 650 हॉर्स पावर और 800 न्यूटन मीटर्स प्रोड्यूस करती है एंड ये 0-100 केपीएच स्प्रिंट 2.7 सेकंड के क्लेम टाइम में कर सकती है। रोल्स-रॉयस ने कलिनन फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है इंडिया में फॉर 10.5 करोड़ फॉर द स्टैंडर्ड वर्जन एंड 12.5 करोड़ रुपीस फॉर द ब्लैक बैज वर्जन। कलिनन सीरीज 2 को स्लिमर हेडलैम्प्स मिलते हैं एल शेप डीआरएल्स के साथ और रियर बम्पर भी फ्रेश लुक और स्टेनलेस स्टील स्किड प्लेट के साथ आता है। इंटीरियर पर ध्यान दे तो आपको एक नया डिस्प्ले कैबिनेट इन द डैश जहां एक इंट्रिकेटली डिटेल्ड एनालॉग क्लॉक और मिनिएचराइज्ड इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मैस्कॉट देखने मिलेगा। कलिनन को सेम 6.75 लीटर V12 ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पावर करता है जो 571 हॉर्स पावर ऑन स्टैंडर्ड एंड 600 हॉर्स पावर ऑन ब्लैक बैज वर्जन में प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मेटेड है एंड ये ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। टीवीएस मोटर ने रेडर 125 का नया एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है 84,869 रुपीज में जो कि 11,000 रुपीज से अब और अफोर्डेबल बन गई है। इस नए वेरिएंट को ड्रम ब्रेक्स मिलती है इंस्टेड ऑफ डिस्क ड्रम सेटअप और ये एलईडी हेडलाइट, एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और राइड मोड्स जैसे फीचर्स शेयर करती है अपने सिंगल सीट वेरिएंट के साथ। रेडर के साथ टीवीएस ने रोनिन के बेस एसएस ट्रिम का प्राइस भी 15,000 रुपीज से स्लैश कर दिया है और अब ये 1.35 लाख रुपीज से शुरू होती है। रोनिन एयर ऑयल कूल्ड 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ इक्विप्ड है जो 5 स्पीड गियरबॉक्स विद स्लिप असिस्ट क्लच के साथ कपल्ड है। 14 लीटर की फ्यूल टैंक के साथ रोनिन 160 केजीज वे करती है और एसएस ट्रिम को फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले, ऑल एलईडी लाइटिंग, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर्स एंड यूएसडी फॉग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यामाहा इंडिया ने रेजर स्ट्रीट रैली का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है 98,130 रुपीज में। इस अपडेट के साथ एलईडी डीआरएल और आंसर बैक फीचर और एक नया साइबर ग्रीन पेंट भी मिलता है। इस स्कूटर को सेम 125 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन विद हाइब्रिड असिस्ट पावर करता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।